वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अंकल चोरू साहब मेरे साथ हैं, पानी के सिलसिले में थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बताई आपको। जान मौत में जो इश्यूज हैं पैसों का, इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा, पैसे हम पूरे अवेलेबल करेंगे। और इस अस्पताल को मैंने जाम खान साहब से रिक्वेस्ट की और कहा है कि जल्द से जल्द और मुझे वो बताएं और इसको फॉलो अप मैं करता रहूँगा। कुछ इकदाम पिछले 4-5 महीने में आके किए हैं, जैसे ही मैं चीफ मिनिस्टर बना था इधर। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत सालों से इल्तवा का शिकार हुए हुए थे, उन सबको कंप्लीट करने के लिए हमने ADP में पैसे तो पहले ही रख दिए थे। ADP में वो स्कीम्स कंप्लीट करनी थी, तेज़ी में उसमें ज़रूर लाएँ। और मैंने इनसे कहा है कि इसी साल मैंने ये कंप्लीट करनी है। हेल्थ मिनिस्टर उसमें ख़ासतौर पर रेडीगुड का अस्पताल है, गडाप में एक अस्पताल है, दुम्बागुड़ का अस्पताल है, इनको डायरेक्ट किया है कि इसी साल में ये ख़त्म करना है। और मेरा ख्याल है उनके टेंडर्स वगैरह सब हो चुके हैं और ये पुराने बने हुए हैं, इनको कंप्लीशन के लिए चाहिए थे पैसे। और सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ भी बैठे हुए हैं, उनको मैंने ये भी कह दिया है कि SLEs जो इनकी हैं वो साइड बाय साइड आप कर लें, कंडीशनल अप्रूवल दे दें। अब ये हमने उस चक्कर से निकलना है कि जी PC4 बनेगी, मैं फाइनेंस को सबको हिदायत कर दूंगा कि कंडीशनल अप्रूवल दे दें ताकि जैसे ही अस्पताल तैयार हो उसका इस्तेमाल भी शुरू हो। ये नहीं कि भी 6 महीने साल लग जाए हमें उसकी SNE करने में, उसमें लोग भर्ती करने में। 1-2 महीने पहले अगर तनख्वाह देनी, मैं वो तनख्वाह देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसे ही फैसिलिटी तैयार हो उस पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पे मलीर के पानी के सिलसिले में आपको ये बता दूँ कि हमने आके जाम खान साहब ने, साजिद जोकियो साहब ने, जानबंद सब ने मिल के यहाँ पर एक डिमांड थी कि एक डिवीज़न बनाई जाए वाटर बोर्ड की, वो डिवीज़न बना दी गई है ताकि इधर लोकल लोगों के लिए जो है अफसरान लोकली मौजूद हों, उनके मसले हल करें। पानी 38 विलेजेस की एक स्कीम थी जो कटाप तक जाती है, वो भी कंप्लीट हो गई है। आज उधर का भी प्रोग्राम था लेकिन मैं वो किसी और दिन करूँगा, इसलिए कि मुझे थोड़ा दिन शॉर्ट करना पड़ रहा है, मेरी दोपहर को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है। तो मकसद सिर्फ ये है कि इंशाल्लाह ताला पूरे सिंध में लोगों की खिदमत करेंगे बिला इम्तियाज। और ये मलीर के आज मेरा खासतौर पर मलीर डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाके का दौरा है, जो स्कीम्स अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई हैं जिन पे काम चल रहा है उनका थोड़ा सा टूर भी करूँगा, दोस्तों से मुलाकात भी करूँगा और इंशाल्लाह ताला ये जो स्कीम्स हैं इनको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मलीर के लोगों का कि इधर जब आए तो उन्होंने बड़ा वालेना इस्तकबाल भी किया है। मैं ख़त्म कर लूँ बात फिर आपको। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, मलीर के लोगों का, कि उन्होंने इस्तकबाल किया है। आज आधा दिन आपके साथ हैं, इंशाल्लाह ताला फिर आते रहेंगे। आप बहुत का शुक्रिया। ये बुड्ढो जी भाई, सर आपको पता है आपकी कवरेज के लिए हम आते हैं, बुलाया जाता है तो हम आते हैं। वक्त न्यूज़ के DSP की यहाँ साइड पे लगी हुई थी, डॉक्टर नचिन नाम है। मैं चेक कर लेता हूँ भाई, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं भी चेक कर लेता हूँ। दहशतगर्दों को इधर मार मार के भगाएंगे, कोई दहशतगर्दों के हत्थे नहीं चढ़ेगा, दहशतगर्द हमारे हत्थे चढ़ेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। करे मां बोलिए ते लंबे मिलना सिर पे।